आईपीएल 2021 का 21वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिए। पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी में शुरुआत धीमी गति से रही। कप्तान केएल राहुल कप्तानी पारी खेलकर केवल 19 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंदबाजी में सुनील नरेन को कैच देकर जल्द आउट हुए और मयंक अग्रवाल शुरुआत से धीमी गति से खेल रहे थे और वे पारी को संभालते हुए 34 गेंदों में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 31 रन बनाकर सुनील नरेन की गेंदबाजी में राहुल त्रिपाठी को कैच देकर आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे क्रिस गेल बिना कोई रन बनाए शिवम मावी की गेंदबाजी में दिनेश कार्तिक को कैच देकर आउट हुए। चौथे स्थान पर उतरे दीपक हुडावी केवल 1 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी में यॉन मॉर्गन को कैच देकर आउट हुए। पांचवें स्थान पर उतरे निकोलस पूरन अच्छी बल्लेबाजी करके मयंक अग्रवाल के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे 19 गेंदों में 100 स्ट्राइक रेट के साथ 1 चौका और 1 छक्के की मदद से 19 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। निकोलस पूरन अच्छी पारी खेले, लेकिन शायद मिडिल ओवर में आकर थोड़े प्रेशर में आकर खेलने के कारण आउट हुए। छठे स्थान पर उतरे हेनरिक ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिक पाए। वे केवल 2 रन बनाकर सुनील नरेन की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। निकोलस पूरन के बाद उतरे शाहरुख खान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जो उम्मीद थी पंजाब किंग्स को उनसे उतना प्रभाव दिखाने में असफल रहे। वे 14 गेंदों में 92.86 स्ट्राइक रेट के साथ 1 छक्के की मदद से केवल 13 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी में यॉन मॉर्गन को कैच देकर आउट हुए। आठवें स्थान पर उतरे क्रिस जॉर्डन शानदार बल्लेबाजी किए। वे 18 गेंदों में 30 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। शाहरुख खान के बाद उतरे रवि बिश्नोई केवल 1 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंदबाजी में यॉन मॉर्गन को कैच देकर आउट हुए। 10वें स्थान पर उतरे मोहम्मद शमी 1 रन बनाकर अजय रहे और आखिरी में उतरे अर्शदीप भी 1 रन बनाकर अजय रहे। इसी के साथ पंजाब किंग्स 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 123 रन बनाए। केकेआर की गेंदबाजी शिवम मावी द्वारा शुरुआत किया गया। केकेआर के सारे गेंदबाजों ने पंजाब किंग्स के नाक में दम कर दिए। वे लगातार इंटरवल्स में विकेट लेते रहे। शिवम मावी अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 1 विकेट चटकाए और पैट कमिंस भी शानदार गेंदबाजी करके अपने 3 ओवर में 10.33 इकोनॉमी रेट के साथ 31 रन देकर 2 विकेट लिए। वही सुनील नरेन भी शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट चटकाए। प्रसिद्ध कृष्णा जबरदस्त गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट चटकाए। एंड्रू रसल 1 ओवर डाल के 2 इकोनॉमी रेट के साथ 2 रन दिए और वरुण चक्रवर्ती अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 6 इकोनॉमी रेट के साथ 24 रन देकर 1 विकेट लिए और उन्होंने निकोलस पूरन का विकेट लिया। क्रिस जॉर्डन शानदार बल्लेबाजी करके करारे शॉट लगाकर केकेआर के बल्लेबाजों को काफी परेशान किए। वे 18 गेंदों में 166.67 स्ट्राइक रेट के साथ 1 चौका और 3 छक्के की मदद से 30 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। प्रसिद्ध कृष्णा जबरदस्त गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 7.50 इकोनॉमी रेट के साथ 30 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उन्होंने दीपक हुडा और शाहरुख खान को कैच आउट किया और अपने आखिरी पारी तक क्रिस मॉरिस को आउट करके पंजाब किंग्स को कम रन पर सीमित कर दिए। सुनील नरेन शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 5.50 इकोनॉमी रेट के साथ 22 रन देकर 2 विकेट चटकाकर पंजाब किंग्स को झटका दिए। पहले उन्होंने मयंक अग्रवाल का कैच आउट लेकर पंजाब किंग्स को ज्यादा रन बनाने से रोक दिए और फिर हेनरिक्स को क्लीन बोल्ड करके बाहर का रास्ता दिखाए। शिवम मावी पारी की शुरुआत करते हुए अच्छी गेंदबाजी किए। वे अपने 4 ओवर में
3.25 इकोनॉमी रेट के साथ सिर्फ 13 रन देकर एक विकेट चटकाए और उन्होंने क्रिस गेल का विकेट लेकर पंजाब किंग्स को पीछे रखे। भले उन्होंने एक विकेट लिया लेकिन कमाल की गेंदबाजी की। मयंक अग्रवाल शुरुआत से धीमी गति से खेल रहे थे लेकिन वे पारी को संभाल के अच्छी बल्लेबाजी किए। वे 34 गेंदों में 91.18 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौका और दो छक्के की मदद से 31 रन बनाकर सुनील नरेन की गेंदबाजी में एक भारी शॉट लगाने का प्रयास किए लेकिन राहुल त्रिपाठी जबरदस्त कैच लेकर उन्हें आउट किए। वे केएल राहुल के साथ पहले 36 रनों की साझेदारी बनाए और फिर निकोलस पूरन के साथ 18 रनों की साझेदारी बनाए। 124 रनों का आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरे केकेआर के बल्लेबाजों का खराब शुरुआत रहा और शुभमन गिल केवल 9 रन बनाकर मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए और फिर नीतीश राणा भी बिना कोई रन बनाए हेंड्रिक्स की गेंदबाजी में शाहरुख खान को कैच देकर आउट हुए। लेकिन तीसरे स्थान पर उतरे राहुल त्रिपाठी शानदार बल्लेबाजी करके पारी को संभालते हुए खेले। वे 32 गेंदों में 41 रन बनाकर दीपक हुड्डा की गेंदबाजी में शाहरुख खान को कैच देकर आउट हुए। शुभमन गिल के बाद उतरे सुनील नरेन बिना कोई खाता खोले अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी में रवि बिश्नोई को कैच देकर आउट हुए। पांचवी स्थान पर उतरे यॉन मॉर्गन शानदार बल्लेबाजी किए। वे 40 गेंदों में 47 रन बनाकर अजय रह के अपनी टीम को जीत दिलाए। राहुल त्रिपाठी के बाद उतरे एंड्रू रसल केवल 10 रन बनाकर बिश्नोई के ओवर में अर्शदीप द्वारा रन आउट हुए। सातवें स्थान पर उतरे दिनेश कार्तिक कप्तान यॉन मॉर्गन के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे आखिरी ओवर्स में आके 6 गेंदों में 200 स्ट्राइक रेट के साथ दो चौके की मदद से 12 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स 5 विकेट से जीत हासिल किए और ये नाइट नाइट्स के नाम। पंजाब किंग्स की गेंदबाजी हेनरिक्स द्वारा शुरुआत किया गया। हेनरिक्स अच्छी गेंदबाजी करके एक ओवर में 5 इकोनॉमी रेट के साथ 5 रन देकर एक विकेट चटकाए। उन्होंने नीतीश राणा को बिना खाता खोले बाहर का रास्ता दिखाया। मोहम्मद शमी अच्छी गेंदबाजी करके 4 ओवर में 25 रन देकर एक विकेट लिए। अर्शदीप सिंह अच्छी गेंदबाजी करके 2.4 ओवर में 10.13 इकोनॉमी रेट के साथ 27 रन देकर एक विकेट लिए। वे सुनील नरेन का विकेट लिए, साथ ही एंड्रू रसल को रन आउट किए और वही रवि बिश्नोई अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 19 रन दिए। क्रिस जॉर्डन 3 ओवर में 8 इकोनॉमी रेट के साथ 24 रन दिए और दीपक हुड्डा अच्छी गेंदबाजी करके 2 ओवर में 10 इकोनॉमी रेट के साथ 20 रन देकर एक विकेट चटकाए। उन्होंने राहुल त्रिपाठी का विकेट लिया। कप्तान यॉन मॉर्गन जबरदस्त बल्लेबाजी किए। लगातार पिछले मैचों में वे अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए लेकिन इस मैच में पूरी जोश से पहले राहुल त्रिपाठी के साथ 66 रनों की साझेदारी, फिर एंड्रू रसल के साथ 15 रनों की साझेदारी और फिर आखिरी में दिनेश कार्तिक के साथ 28 रनों की साझेदारी बनाकर 40 गेंदों में 117.50 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 47 रन बनाकर नाबाद रहे। वे केवल 3 रन के लिए अपना अर्धशतक नहीं बना पाए लेकिन वे आखिरी तक खेलकर अपने टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। राहुल त्रिपाठी शानदार बल्लेबाजी करके यॉन मॉर्गन के साथ 66 रनों की साझेदारी बनाए। वे 32 गेंदों में 128.13 स्ट्राइक रेट के साथ 7 चौके की मदद से 41 रन बनाकर दीपक हुड्डा की गेंदबाजी में लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास किए लेकिन बाउंड्री के पास शाहरुख खान जबरदस्त डाइव कैच लेकर उन्हें आउट किए। इस मैच में रवि बिश्नोई भले विकेट नहीं ले पाए लेकिन अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 4.75 इकोनॉमी रेट के साथ 19 रन दिए। मोहम्मद शमी अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 6.25 इकोनॉमी रेट के साथ 25 रन देकर एक विकेट चटकाए और उन्होंने शुभमन गिल को LBW के रूप में आउट किया।